एचएल टीवी न्यूज। टोहाना में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एसडीएम को दी शिकायत के आधार पर खाद्य पदार्थों के सैंपल लेने हेतु छापेमारी की गई। दोपहर लगभग 12 बजे एसएमओ डॉक्टर सतीश गर्ग के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बूना रोड स्थित भूषण की दुकान पर छापा मारा, जहां रखे गेहूं के भंडार से सैंपल लेकर जांच हेतु लैब में भेजा गया। इसी तरह चीनी मार्केट स्थित सुभाष गोयल की दुकान से फॉर्चून ऑयल, भगवान दास पवन कुमार की दुकान से पारस देसी घी के सैंपल लिए गए। जानकारी के अनुसार हरपाल चौक निवासी राजकुमार ने 8 मार्च को एसडीएम को दी शिकायत में बताया था कि कुछ दिन पूर्व उसने बूना रोड स्थित भूषण की दुकान से 1700 रुपए प्रति क्विंटल से आटा खरीदा, जिसको घर ले जाने के बाद साफ सुथरा कर आटा पिसवाने के बाद जैसे ही परिवार के सदस्यों ने रोटी खाई तो उन्हें उल्टी आने लग गई तथा बेहोश हो गए, जिसके बाद उसने मामले की सूचना 3 मार्च को थाना शहर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में ढूल मूल रवैया बनाते हुए कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद उसने एसडीएम के समक्ष पेश होकर शिकायत देकर न्याय की गुहार ली, जिस उपरांत एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बारे में एसएमओ डॉक्टर सतीश गर्ग ने बताया कि शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है तथा अन्य जगहों पर रूटीन के चलते खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं, जिसके बाद इन सैंपलों को जांच हेतु पंचकुला लैब में भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर खाद्य पदार्थ में थोड़ी कमी पाई जाती है तो उसकी कार्रवाई जिला एडीसी को सौंपी जाती है। अगर खाद्य पदार्थों में शरीर के नुकसान पहुंचाने वाले कारण सामने आते हैं तो कोर्ट में केस डालकर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसमें सजा का भी प्रावधान है। ऐसा है जी, ये एक रूटीन कार्रवाई भी है। कुछ एक जो है गेहूं के लिए जो है एसडीएम महोदय के पास कोई शिकायत आ रही थी कि गेहूं ठीक नहीं है, गेहूं का सैंपल लिया गया और साथ साथ रूटीन में जैसे रिफाइंड ऑयल और देसी घी का सैंपल लिया गया। कितनी दुकानों से मतलब जो सैंपल? तीन जगह से सैंपल लिए थे। आगे मतलब सैंपल लैब में भी जाएंगे? हाँ जी, हाँ जी, चंडीगढ़ 11 सेक्टर में लेबोरेटरी है हरियाणा सरकार की। अगर सैंपल अगर फेल आते हैं, जैसे अगर सब स्टैंडर्ड आता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडीसी साहब के पास केस होता है, वो अपने लेवल पे फाइन या जो भी प्रोविजन है करते हैं। अगर बिल्कुल ही डेंजरस टू लाइफ हो फिर ये कोर्ट में केस फाइल होता है। टोहाना से हलचल टीवी के लिए सुशील कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।